गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द कोरोजन एंड फ्रॉम कोरोजन चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट फिलीफॉर्म कोरोजन। फिलीफॉर्म कोरोजन क्या है? ये एक कोरोजन की टाइप है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक कोई भी मेटल है उसके ऊपर अगर हम किसी भी पेंट की थिन लेयर बना देते हैं, थिन लेयर के बाद क्या होगा कि वो कहीं से भी अगर रप्चर हो जाए और उसमें ऑक्सीजन या वाटर ऐड हो जाए तो उस टाइप की जो कोरोजन होगा उसको बोलेंगे फिलीफॉर्म कोरोजन। फिलीफॉर्म कोरोजन के और भी बहुत सारे नाम है, जैसे अंडर फिल्म कोरोजन, फिलामेंट्री कोरोजन। अंडर फिल्म क्यों बोला? क्योंकि फिल्म मीन्स कोटिंग, क्या होता है ये कोटिंग के नीचे होती है। और नेक्स्ट इज फिलामेंट्री कोरोजन। फिलामेंट्री मीन्स ये फिलामेंट की फॉर्म में होती है, फिलामेंट्स को आप कह सकते हो कि थ्रेड लाइक। सो ये मेटल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है और जो मेटल की जो लेयर होती है वो 0.1 mm थिक होनी चाहिए। फिर हम इसके डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। फिलीफॉर्म कोरोजन हमें पता है क्या होता है, अंडर द सरफेस लेयर, जैसे कि पेंट हो गया। ये किस पे डिपेंड करता है? जितना ज़्यादा आपका मॉइस्चर होगा या फिर वाटर होगा वो इतना ज़्यादा एंटर करेगा उतना ही ज़्यादा आपका फिलामेंट्री कोरोजन होगा। फिर हम डिस्कस करते हैं इसके और भी बहुत सारे कैरेक्टर है, जैसे फिलीफॉर्म कोरोजन है वो प्रेजेंट होता है थ्रेड्स लाइक में, बताया था थ्रेड लाइक में होता है और सरफेस के नीचे की ओर प्रेजेंट होता है। सो इस नेक्स्ट है कि इसका जो अटैक है, अटैक कैसे होता है कि बहुत सारे जो मॉइस्चराइजर पार्टिकल्स हैं वो सरफेस लेयर के नीचे आ जाते हैं और जो ऑक्सीजन होता है वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमें मिलती है एनवायरमेंट के अंदर। तो जो ऑक्सीजन वाला एरिया है उसको हम क्या कंसिडर करके चलेंगे, एनोड। जो ये जो फिलीफॉर्म कोरोजन है इसको हम लोकलाइज्ड कोरोजन भी बोलते हैं। लोकलाइज्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ही जगह पे प्रेजेंट होता है। अब ये क्या होता है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे जो एलॉयज होते हैं उसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है, और भी जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, इन सभी में फिलीफॉर्म कोरोजन आपको मिलता है। जहाँ पे जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी या जितना ज़्यादा आपका प्रेशर टेम्परेचर होगा उन सब में ये फिलीफॉर्म कोरोजन है जो आपका डिपेंड करता है। फिर हम पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ फिलीफॉर्म कोरोजन। सो मैकेनिज्म में क्या करते हैं कि ये क्रेविस कोरोजन की तरह इसका मैकेनिज्म होता है। जैसे कि हमने किसी भी मेटल का हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस मतलब उसके H2O है वो किस में टूटेगा, H2O H2 प्लस O माइनस में। तो जब H पॉजिटिव आयन्स यहाँ पे इंक्रीज हो गए तो आपकी एसिडिटी करेक्टर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। डायग्राम देखो कि जब जो स्टील सबस्ट्रेट है, स्टील सबस्ट्रेट के ऊपर हमने कोटिंग की है जिसमें हमारा प्रेजेंट है क्या, हेड और टेल। जो हेड है, हेड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अभी यहाँ पे रप्चर हुआ है, कोई भी लेयर है वो रप्चर हुई है, तो स्टील का है और जो लेयर है उसके बीच में क्या है आपका डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा, कम अमाउंट में ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री होगी, इसीलिए यहाँ पे पीएच कैसी होगी आपकी, लो, और वाटर की भी क्वांटिटी कैसी होगी, लो। लेकिन जैसे जैसे आप टेल की तरफ जाते जाओगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो बहुत ज्यादा इवेलुएट होगी लेकिन ऑक्सीजन है उसकी एंट्री बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या है, जो ये ब्राउन एरिया है यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसको हम एज ए कंसिडर करके चलेंगे क्या, कैथोड। तो जो ये लेयर है ये क्या करा रही है, ऑक्सीजन का माइग्रेशन करा रही है। जहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है उस एरिया को बोलेंगे कैथोड, और जहाँ पे लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है उस एरिया को बोलेंगे हम एनोड। और अच्छे से देखते हैं, जैसे कि मेटल है, मेटल के ऊपर जो कवरिंग है तो क्या होगा, ऑक्सीजन और वाटर लगातार इसमें प्रेजेंट होगा, तो मेटल पे कैसा चार्ज है, एन चार्ज है। लेकिन धीरे धीरे आपका जो वाटर और ऑक्सीजन ऐड होता जाएगा तो वाटर एच पॉजिटिव में टूटेगा और OH नेगेटिव में, तो जो जो ऑक्सीजन है वो मेटल के साथ कंबाइन होके क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड, और प्लस में वाटर, वाटर क्या हो जाएगा यहाँ से रिलीज हो जाएगा।
तो जहाँ पे ऑक्सीजन टेल एरिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की अमाउंट लगातार इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम उसको क्या कंसिडर करते चलेंगे, टेल। आपने डायग्राम में देखा कि जैसे हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। मेटल आयन फॉर्मेशन एंड डिसोल्यूशन प्रोसेस एट हेड, कि जो भी मेटल आयन फॉर्मेशन होगा वो किसकी तरफ होगा, हेड की तरफ, लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीजन क्या होने लग जाएगा, टेल की तरफ रिड्यूस होने लग जाएगा। अब जो भी ये कोरोजन होगा वो वॉर्म लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। आपको पता है थ्रेड लाइक कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, टू में, हेड और टेल। सो हेड पे तो क्या होगा, मेटल डिसॉल्व होगा, और टेल पे क्या होगा, आपका ऑक्सीजन रिड्यूस्ड होगा। सो जो हाइड्रोजन आपका लगातार ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन किसके फॉर्म में ऐड होगा, तो जब हाइड्रोजन इवॉल्व होगा लेयर के अंदर से, लेयर से बाहर जाएगा, तो किसके फॉर्म में जाएगा, हाइड्रोजन बबल्स। और वो हाइड्रोजन बबल्स का कैरेक्टर कैसा होगा, वेरी एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक उसका कैरेक्टर होगा। अब क्या होगा, हेड रीजन कंटिन्यू मूव अंडर कोटिंग टू ए न्यू एरिया लिविंग अंडर कोटिंग, तो क्या होगा, बहुत सारे जो थ्रेड लाइक अपीयर स्ट्रक्चर आप देखोगे, तो क्या होगा, हेड से टेल कंबाइन होगा, टेल से हेड, हेड से टेल, टेल से हेड, ऐसे ही आपके बहुत सारे जो थ्रेड है वो यहाँ पे डिसअपीयर, वो यहाँ पे अपीयर होने लग जाएंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हेड से हेड ही कनेक्ट होगा, तो उस स्टेप पे जो आपका प्रोपागेशन स्टेप है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और वहां पे कोरोजन आगे नहीं होगा। देखेंगे कि जो हेड है वो क्या होगा, टेल की तरफ जाता जाएगा, और आपके फिलामेंट्स की अपीयरेंस होती जाएंगी। मतलब कि क्या है, जितने फिलामेंट्स की लेंथ होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। हम एक अदर वे से कह सकते हैं कि जो फिलामेंट्री कोरोजन है एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का, वो किस तरीके से शो होगा, उसके जो प्रेसिपिटेट बनेंगे, जो फिलामेंट्स बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, वाइटिश, फॉर्मिंग टेल। एंड जो फिलामेंट कोरोजन आयरन का होगा, वो उसकी जो फ्लूड होगी वो कैसे बनेगी, ग्रीनिश फ्लूड। फ्लूड क्यों बनी, क्योंकि वहां पे क्या ऐड हो रहा है, आपका वाटर या मॉइस्चर वहां पे ऐड हो रहा है, इसलिए हमने क्या बोला इसको, ग्रीनिश फ्लूड। और टेल की तरफ कौन सी बनेगी भाई, रेडिश प्रेसिपिटेट। Fe2 से, Fe2 कहाँ पे प्रेजेंट, आपका हेड की तरफ, Fe2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3 पॉजिटिव में, और इसमें ऑक्सीजन का लगातार क्या हो जाएगा, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। आयरन Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में हो जाएगा, और आपके आयरन मेटल का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। सो ये है आपका फिलिफॉर्म कोरोजन का मैकेनिज्म। फिर हम पढ़ते हैं इसके प्रिवेंशन, ऐसे क्या क्या प्रिवेंशन है कि फिलिफॉर्म कोरोजन को हम स्टॉप कर सके। हमें पता है कि कोरोजन है हमेशा मेटल को हार्मफुल करता है, मेटल की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसको डिक्रीज करता है, उसके अपीयरेंस को खराब करता है। तो हम बहुत सारे ऐसे प्रिवेंशन मेथड है जिससे हम फिलिफॉर्म कोरोजन को स्टॉप कर सकते हैं। बेसिकली हर उसमें क्या होता है, हम जितना हो सके टेम्परेचर को कंट्रोल में रखें और आपकी ह्यूमिडिटी को लो करें। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो आपके फिलिफॉर्म कोरोजन को स्टॉप कर सकते हैं। फिलिफॉर्म कोरोजन क्या था आपका, पेंट या फिर लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है इसका, अप्लाइड मोर देन वन लेयर ऑफ कोटिंग, किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर एक से ज्यादा लेयर बनाए, किसकी, कोटिंग की। कोटिंग आपका प्राइमर भी हो सकता है, आपका पेंट भी हो सकता है, आपका ग्रीस भी हो सकता है। फिर हम ऐसे प्राइमर का यूज करें जिसमें क्या प्रेजेंट हो, आपका क्रोमेट प्रेजेंट हो, और क्रोमेट आयंस का प्राइमर किसके ऊपर अप्लाई करना है, आपको एल्यूमिनियम के ऊपर, या फिर जिंक कंटेनिंग प्राइमर करें स्टील के ऊपर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसकी हम ह्यूमिडिटी को, या फिर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल में करें, या फिर ऐसे एलॉय बनाए जो टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी पर उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़े, या फिर क्या हम ऐसे ड्राइंग एजेंट या फिर मॉइस्चर बैरियर प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं जो आपका फिलिफॉर्म कोरोजन को कंट्रोल में कर सके। ड्राइंग एजेंट का मतलब क्या होता है, वहां पे जो मॉइस्चराइजर है या फिर ह्यूमिडिटी है वो बिल्कुल ही जीरो हो वहां
पे, तो ऐसे एजेंट्स का हम यूज करें, या फिर हम इनहिबिटर प्राइमर्स लगाए। इनहिबिटर प्राइमर्स मींस जो आपके फिलीफॉर्म कोरोजन को होने से रोके। बहुत सारी ऐसे केमिकल स्पीसीज होती हैं जो एज ए इनहिबिटर प्राइमर एक्ट करती हैं, जैसे कि जिंक क्रोमेट प्राइमर। हम जिंक क्रोमेट प्राइमर का यूज करें इंस्टेड ऑफ पेंट, पेंट की बजाय। थैंक यू।